السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: "إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك. वादद मालूम सौज साम कराम आज की हमारी नशस्त में शराब शराब जो कि कुरान करीम में चैप्टर नंबर नाइन्टी एट है और तीसवा पारा है इस सूरे को दो नामों से भी जाना जाता है अब या फिर लमयन लमयुन भी कहा जाता है अलबैना या लमयकुन ये दोनों नामों से ये सुरह मुबारक मारूफ है और मशहूर है इस सुरह मुबारक में एक रुकू है आठ आयतें हैं और तीन सौ नन्यानवे नन नन्यानवे हरूफ है इस सुरह मुबारक में मौजत साम ये सुरह मुबारक के नज़ुल के हवाले से इसमें किराम के दो कौल पाए जाते हैं और उसकी वजह में मैं आपके साम आपके गोश गुज़ार कर दूँगा पहली वजह और पहली जो दलील पाई जाती है वो ये है कि मानना ये है एक उलमा के ग्रोह का कि ये सुरह मुबारक मक मुकर्रमा में नाजिल हुआ और इसके बारे में बड़ी वाज़ तौर पर ये राय है कि भाई ये सुरह मुबारक शान ये सुर मुबारक मक् में इसलिए कि चूँकि इसका तसलसल पिछले सूरतों से शुरह वन और शुरद्र अलर व अल और इकरा और अलक़द्र तीनों शुरों के साथ इसका एक मरबूत नजर आता है इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि सुरह वन में नेक लोगों का जिक्र किया गया कि असफिला साफिलन कौन है और अहसन तकवीम कौन है तो ये शुरे में दोनों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा अहसन तकवीम कौन है उनका भी जिक्र मिलेगा उनका अजर सवाब क्या है वो मिलेगा और असफला साफिलीन कौन है और उनका अजाब क्या है वो इस शुरे में आपको मिलेगा एक लिंक हो गया है और उसके बाद वही जो तसलसल हमें सुर कदर में वाल और अलदर में जो मिला है मौजू वो क्या कि पहली आयतें क़ुरान के नज़ूल आए सौ पाँच आयतें हैं फिर अल सुरह अलकद्र में किस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ उसका जिक्र में है मगर इस सुर मुबारक में क्या मिलेगा कि ये नबी पाक को भेजा क्यों रवाना क्यों किया गया और कुरान करीम को नाजिल किए जाने का मकसद क्या है ये चीज़ इस सुर मुबारक में नाजिल की गई है तो अब आइए आप म, जो हजरात मदीन मनोवर के इसके होने के बारे में शक जाहिर करते हैं वो कहते हैं कि सुर मुबारक मदीन पाक में नाजिल हुआ उनके पास यह है कि और अजीब बात यह है कि जो मक्की रिवायत है मक्की सुरा है बोलकर जो रिवायत है उसकी भी रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है और जो मदनी रिवायत है उसके हवाले से भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से वो भी रिवायत है एक रिवायत यह है कि मक्या है इस सूरत के बारे में एक ये है कि ये मदनिया है और मदनिया होने की जो दलील जो मुफसरन और अलमाए क्राम दिया करते हैं उनका कहना यह है कि चूंकि इसमें अहल किताब से मुखातबत है इससे यहूद नसारा से इसमें मखातबत है तो यहूद नसारा से हुजूर हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम के और अहल इस्लाम के मदीन मुनव्वरा में हुए ना कि मक् मुकर्रमा में हुए तो मैं आपको आपके गोशोगुजार दोनों बातें रख दिया हूँ अलबत यह है कि एक, एक, एक इमाम अहमद बिन हम्बल और तबरानी शरीफ़ में एक हदीस पाक आती है कि जब यह सुर मुबारक का नाजिल हुई तो हज़रत सैदुना जबरील अमीन ने अर्ज़ किया या रसोल्ला सल्ला वम अल्लाह ताली आपको यह हुक्म देता है कि ये जो सुर मुबारक है हज़रत उबै बिन काब काब्रदी अल्ला को पढ़ कर सुनाएँ कितनी खुश नसीब साहबी हैं हज़ुर कम सलील आसम को ने जब हज़रत उबैई को ये बात बताई तो वो बड़े हैरत में डूब गए हैरत से परेशान हो गए अर्ज़ करने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे को अल्लाह ताला वहाँ भी याद फ़रमाया जाता है यानी जो बंदा होता है उसको अल्लाह ताला आसमानों में फ़रिश्तों के सामने याद करता है तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ ए उबई बेशक अल्लाह ताला याद करता है तो फिर हज़रत अबई बिन काब रदी अल्लाह अर्ज़ा हूँ यह बात सुनकर रो पड़े कि मेरा नाम अल्लाह की ज़बान पर अल्लाह के कलाम में मेरा नाम आया है और अल्लाह ताला ने मुझे आसमानों में फ़रिश्तों के सामने ज़िक्र किया है मौज साम कराम इस सुर मुबारक के मजामीन क्या है नज़ुल की बात हमने कर दी अब आइए सुर मुबारक के मजामीन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरत में कुरान करीम के नाजिल होने नज़ुल किताब और सुरः अल कदर में जिस रात ये क़दर वाली मंजिलत वाली किताब नाजिल हुई उसका ज़िक्र था अब इस सूर मुबारक में रिसालत की ज़रूरत को बयान किया जा रहा है कि क्यों क्यों अल्लाह ताला ने रिसालत को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया है फरमाया जा रहा है कि मुशरिक और अहले किताब उस वक्त तक अपने गलत अकायद और बातिल अकायद से दस्बरदार नहीं होंगे जब तक ऐसे मुकद्दस और शरीफ और ऐसे मुबारक रसूल इनके दरमियान तशरीफ़ नहीं लाएँगे कि जिनकी ज़ात और जिनका किरदार जिनका कौल जिनका अमल हर हर चीज़ जो है उस दावत दीन की सदाकत को की रोशन दलील बन करके उनके सामने पेश होगी फिर इस हकीकत को भी वाजे किया गया कि सब नबी और रसूल एक ही दीन की दावत देने के लिए मबूस हुए ऐसा नहीं कि दावत का जो मेन शरीयत के अहकाम अलग अलग मिलेंगे आपको मगर जो फंडामेंटल्स जो हैं वो हर एक के नज़दीक एक हैं जैसे मैंने गुजत दुरुस में भी कही ये बात कही है कि तीन चीज़ें सारी उम्मतों में यकसा रही हैं कामन रही है एक अल्लाह की वहदानियत तोहैद दूसरी रिसालत यानि अम्बिया कराम पर ईमान लाना तीसरी चीज़ क़ियामत इस बारे में किसी के पास नबी तब्दील होते रहे मगर मैसेज यही कॉमन रहा जिसका ख़ुलासा ये हो गया कि पूरे खलूस और यकसुई के साथ अल्लाह ताली की इबादत करें नमाज़ क़ायम करें ज़क़़़़़त अदा किया करें और जिन लोगों ने इस दावत को कबूल किया उनके लिए क्या मिलने वाला है वो खुश लोग हैं जिन्होंने इससे रद्द कर दिया वो बख्त लोग हैं और इस दुनिया में भी और आखिरत की भी ज़िंदगी उनके लिए अजीरन बनने वाली है इसका जिक्र ये थे मजामीन इस सुर मुबारक के अब आइए कि हम तर्जुमे और तफसीर की तरफ बढ़ते हैं अल्लाह ताला इस सुर मुबारक में कुछ ऐसे मुश्किल मकामात है जहाँ पर कई अहल अहल तफसर के मुफसरिन का अख्तिलाफ़ है कि भाई इसका माना क्या होगा मकालिब क्या होंगे चूंकि वो एक अदक बहस है तो हम डिटेल में और उस अदग बहस में न जाते हुए आपको वो आम मफहम जो अक्सर मुफसरिन ने जो तफ़ीम और इफ़ाम और तफ़ीम समझने और समझाने के लिए इस्तेमाल किया है उस चीज़ को हम अडोप्ट करेंगे और उस चीज़ को जिक्र करेंगे आइए हम आते हैं बसमरीम जैसे मैंने कहा कि सुरबैना या तो मदनी है या मक्की है दोनों रिवायतें मौजूद पाई जाती हैं और इसमें रही आट आयतें

कि इसका लफ्ज़ का क्या माने देखिए अरबी ज़बान की एक नुदरत आपको एक बात बताऊँ मैं कि जो भी लफ्ज़ फ़ा से शुरू होता है अरबी ज़बान में वो फाड़ने और चीरने के माने में आता है अलाहिदा करने के माने में आता है जैसे फन फजरत माफी चाहता हूँ जैसे कि फलक कुल आउजिल फलक फज हटी हुई वादियाँ जो दो पहाड़ हट गए उसके दरमियान से रास्ता ये भी जो लफ्ज़ है फ़ काफका फ़ुन का, का लफ्ज़ ही हैरबी ज़बान का फ़क् रकबा सुर बलद में भी मिलेगा आपको अ तमी मबा यतीमजामबा मस्किनन जामबा ये जो आयत करीमाएं फ़क् व रक़बा वहाँ पर भी लफ् सुर बलद में इस्तेमाल हुआ है फ़क्का या फ़क् ये होता है कि अलादा करना जुदा कर देना तोड़ना दुदाई पैदा करना तो और ये खासियत है फ़ से अल्फाज जो शुरू होते हैं वो अल्फ़ा में ये नुदरत और ख़ासियत पाई जाती है कि उसमें जुदाई के माने पाए जाते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है लम यकन लदीनः कफ़रू नहीं होंगे नहीं करेंगे अब दरअसल वो लम यकुन का जो कंटिन्यूशन है वो मुनफ़िन पर है लम यकुन लदी कफ़फ़फ़फ़फ़रू मिनाहबी वलमुशरक जिन लोगों ने अहिल किताब में से कुफ़्र किया और वो जो मशरक हुए मुनफ़ीना वो जुदा नहीं अलग होने वाले न थे हत्ता यहाँ तक के तबय बयना यहाँ तक के उनके पास एक रोशन और वाज़ेह दलील आ गई जब तक उनके पास एक रोशन दलील नहीं आई जब तक वो लोग अपनी राहराज से अपनी वो बातों से और अपने कुफर से अपने शिर्क से अलग होने वाले नहीं थे तो लमयकुनदीना का कफरू जो अहले किताब है और मशरकिन है अपना दीन छोड़ने वाले न थे जब तक के उनके पास रोशन दलील न आए तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो अलख में और सुरह अलक और सराः अलकदर में जो बात बताई गई कि कुरान भेजा गया नबी के साथ भेजा गया क्यों भेजा गया उसकी वजह यह है कि जब तक कि उनके पास कोई रोशन दलील या कोई रोशन नशानी नहीं आ जाती अल्लाह की जानिब से तो वो लोग जब तक के वो मानने वाले नहीं थे यानी ये बतलाया जा रहा है कि हज़ू अक्रम सम जब जलवा अफरोज़ हों क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवारी से पहले तमाम यही कहते थे कि हम अपना दीन छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कि हम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे हैं नबी मऊद का वो तशरीफ़ न ला लें उस वक्त तक हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनका जिक्र तो कुरने तौरात में उनका जिक्र इंजील में यानि आप सलील आल वम का जिक्र मुबारक तौरात में किया गया इंजील में किया गया तो बतला रहे हैं कि जब तक वह नबी मुकर्रम नहीं आएंगे हम ये लोग हम ये छोड़कर नहीं जाने वाले हैं अब आपको मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ इन आए इस आयत करीमा का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियासत से पहले अरब के दो ग्रोह बड़े पाए जाते थे एक ग्रोह वो था जो किसी नबी को नहीं मानता था जिनको हम मशरकिन और काफ़िर कहते हैं ना उनके पास कोई आसमानी किताब थी और रह गई हज़रत इब्राहिम आसलम का सहीफ़ा वो तो बड़े अरसे तक अरसे तक उनके पास से गायब हो चुका था और उनके पास तालीमात बाकी नहीं थी इनमें फिर हो गया क्या वो बुत परस्ती के तरफ चले गए और कोई सितारों को पूजने लगा कोई पत्थरों को पूजने लगा कोई किसी को पूजने लगा बरहना तवाफ़ होने लगा ये सारे अकायद इनके अंदर घुस गए यानी इनके अकायद में जो है मुख्तलिफ मुख्तिकस्म की चीज़ें बन गई जिसको जो चीज़ समझ में आती वो शुरू कर लिया ये हो गए मुशरिकी ने कुार अब आइए दूसरा ग्रोह वो लोगों पर था जो किसी न किसी नबी के उम्मती थे और उनके पास कोई ना कोई आसमानी किताब भी थी लेकिन ज़माने की रद्दबदल के अतबार से वक्फा गुजरने के साथ साथ उनके अंदर भी गुमराहियाँ फै, फैल गई थी वो भी अपने तौर पर अपनी आसमानी जो सहीफ़े थे जो किताबें थे उसको बदल दिया था उनके अमाल में बिगाड़ अक़ाइद में बिगाड़ा गया अम बी आई की तालीमत से मुँह मोड़ लिए थे और वो अपने आप के दिन में नई नई चीज़ें ईजाद कर लिए थे नई नई बिदाँत को ला लिया था इनका बिगाड़ इस हद तक पहुँच चुका था कि ख़ास तौर पर यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानने लगे और नसारा हज़रत ईसा सलाम को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा कहने लगे अगरचे के शिर्क में ये लोग भी मशरकिन से पीछे न थे लेकिन क़ुरान करीम ने इन दो ग्रोहों को हमेशा अलग अलग नामों से याद किया पहले ग्रोह को मशरक़ कहा गया और दूसरे ग्रोह को अहले किताब किताब अक्सर आएगा आपको पीपल ऑफ़ बुक के नाम से उनको याद किया गया इसलिए कि दूसरा गुरोह वह अपने आप को एक ऐसे दीन का पैरोक कहलाता था जो किसी ना किसी तरह दीन तोहीद यानि अल्लाह की वहदानियत से जुड़ा हुआ था अहले किताब था इसलिए कुरान करीम ने इन्हें मशरकिन के लफ्ज़ से याद नहीं फ़रमाया बल्कि अहल किताब के नाम से उनको अलादा किया गया इसी के इसीलिए हमें पाया जाता है इसीलिए लिए अहकाम में जो फ़ा में मसला मिलता है वो यही है कि मशरकिन का जो जानवर ज़बा किया जाता है या उनकी लड़कियों से शादी शादी करने का जो मामला है वो मुतलखन हराम है वला तन की क़लमशर हाईमिन हो तो मशरकिन और मशरकिन से निकाह मत करो यहाँ तक कि वो ममिन हो ममिन ना हो जाए अब रही बात पहले किताब की उनकी औरतों से निकाह की इजाज़त दी गई और उनका ज़बीहा भी हलाल करार दिया गया ब, शर्त क्या है मगर दो चीज़ें हैं इसमें ज़बीे की बात है तो वह अल्लाह के नाम पर ब किया जाए तब खाना जायज़ होगा अगर कोई हज़रतसी के नाम पर ज़बह करेगा तो वो खाना आपके लिए जायज़ नहीं होगा यानी चूँकि वो खुदा ख़ुदा का बेटा या ट्रिनिटी ट्रेनिटी सलासा बिलीविंग इन थ्री गॉड्स की जो थ्योरी है उनके पास ट्रिनिटी की वो कर किया करते हैं और अगर शरीयत के मुताबिक तरीक़े से सही तरीके से अगर ज़बहर किया जाए तो ऐसी सूरत हाल में उनका जबीहा खाना जायज़ होगा और रही बात लड़कियों के निकाह की अक्सर हमारे नौजवान बच्चे भी ये बात अक्सर पूछा करते हैं तो इस बारे में अर्ज़ करता हुआ आगे बढ़ूँ कि याद रखें ईसाई या यहूदी लड़की से निकाह जायज़ है मुसलमान मर्द ईसाई औरत से या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है इसके बरखिलाफ़ नहीं हो सकता यानी मुसलमान औरत यहूदी या ईसाई मर्द से शादी नहीं कर सकती उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि जब आदमी निकाह करता है किसी औरत से तो औरत आदमी के अंडर और उसके सबॉर्डीनेट हो जाती है तो वो जो उसका जो दीन होगा वो औरत का दीन बन जाएगा फिर उससे जो औलाद होगी वो उस उसी के दीन पर हो जाएगी अगर आदमी मुसलमान होगा तो गालिब इम्कान ये है कि औरत भी इस्लाम कबूल कर ले नहीं तो कम से कम बच्चे तो मुसलमान रहेंगे अगर औरत मुसलमान किसी ईसाई से शादी करेगी तो गालिब इम्कान है कि औरत भी ईसाई होने के इमकान है फिर प्लस जो बच्चे औलाद होगी वो भी ग़ैर मुसलम होने की कवी इम्कान है इस वजह से कहा गया कि मुसलम मर्द यहूी या ईसाई औरत से निका कर सकता है मगर कब वो अहले मुशरिक ना हो शर्क करने वाले ना हो आजकल के दौर में मेजॉरिटी ऑफ द क्रिस्टन्स आर डिसबिलीवर्स यानी वो मुशरिक है वो शर्क करने वाले हैं वो सही तौर पर क्रिस्टन या सही तौर पर ज्यूस नहीं है अगर वो शर्क करने वाले नहीं हैं तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं तो अब इस आयत करीमा में ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि इन दोनों ग्रोहों में कुफ्र और शर्क इतना फैल चुका था अब दूसरे दर्जे की कोशिश इन्हें इस दलदल से नहीं निकाल सकती थी यानी कोई आलिम का आना कोई जाहिद का आना कोई दूसरे नबी का आना उनके लिए काफ़ी नहीं था तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए ऐसी ज़बरदस्त दलील और ऐसी रोशन और वाजह दलील लेकर के आया जिसकी किरने तारीकियों का सीना चाक करके रख दी शकूक व शुभ को दूर कर दिया और फरमाया कि हत्ता तत्तीम्लबयना पहले तो वर्ड आया है मुनफ़कीन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनफ़ाक जो है यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ से सेलीहदा करने को कहा जाता है और रही बात अलबैना रोशन दलील जो हक़ को वाज़ करे हक़ को वाज़ करने वाली चीज़ का नाम अलबैना आता है बैना युबैन यीन। तबयन खूब वाज करें खूब खोल खोल कर बयान करने वाली चीज़ को तबयीन कहा जाता है बीना बी कहा जाता है और हज़ूर अक्रम सल्ला ने नशानी करार दिया दूसरे मक़ाम पर आपको कुरान करी में मिलेगा या अय्यूल अमनोक़दम कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास हमारी रोशन नशानी बना करके भेजा है अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बन बना करके भेजा है युबुम कि अल्लाह ताला और वो नबी क्या है तुम्हें खोल खोल कर चीज़ें वाज बयान किया करते हैं आपकी मनसब रसालत जो है उसका भी जिक्र कई मकाम लक़दमी इस बाफ़ी हम रसूलन यतलोअम आयातें वहीमल किताबल कुरान की तिलावत करते हैं और तुम्हारे लिए यतलोअलिम आती है वहीक्कीम तुम्हारा तज्िया करते हैं वही महमल किताब और किताब और हकमत की दानाई की बातें खोल खोल कर बयान किया करते हैं तो पता क्या चला कि बय अल्लाह ताली ने अपनी नशानी बनाकर हजूर अक्रम सली वम को दलील के तौर पर भेजा तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दलील बन करके इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो अब हमारे लिए क्या है अब देखिए दलील क्या होती है दलील देखने से आदमी समझ जाता है कि भाई ये दलील देखने से आपको पता चलता है कि ये जहाँ से आया है जैसे एक मक़ाम पर फाया कदजा अकुम बुरहान मर सूरह स में आया है कि कदजा अकुम बुरहान मर रब् नमीना कि तुम्हारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बुरहान दलील बन कर के आए तो दलील को देखने से मदलूल का पता चलता तो मदलूल में और दलील में कॉम्बिनेशन होना दोनों में यकसानियत होना ज़रूरी है एक कोई लिंक होना ज़रूरी है यानी दलील को देखो तो मदलूल समझ में आए यानी जिस चीज़ की दलील दी जा रही है ना कि बेटा जो है शेर की तरह है मेरा बेटा शेर की तरह है तो अब इसमें दलील जो दी गई जो तशबी दी गई वो शेर से दी गई शेर यानि बहादुरी उसमें नज़र आना ज़रूरी है तो मौज़त सामजू अक्रम बुरहान बन कर के आए तो बुरहान जब है हबीब पाक सल्ला वसम तो फिर क्या होना बीन जो है अल्लाह की है तो फिर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अक्स और पर तो हज़ूर अक्रम सल्ह वसम में सराहत के साथ और वजाहत के साथ नज़र आना ज़रूरी है आइए फिर एक मरतबा हम इसका तर्जमा आपके सामने आ आसान अल्फाज में कर आगे बढ़ते हैं पहली आयत का लम यकुन लधीना कफ़रूम अहलिल किताबी वमशरकिन यानि अहल किताब अहल किताब और मशरकिन मुनफ़कीना तबैना कि वह अपना दीन छोड़ने के लिए तैयार न थे जब तक कि उनके पास कोई रोशन और वाज दलील ना आए रसूल वो कौन है वो कौन कौन सी दलील है रसूल वो रसूल है मीनाल अल्लाह की तरफ़ से यतलू शरा जो तिलावत करते हैं पाक सहीफों से यानि पाक सहीफों से वो पढ़ कर के यानि एक रसूल ऐसा है जो अल्लाह की तरफ से आया है जो उन्हें पढ़ कर सुनाते हैं पाक सहीफे है। यानि इस दूसरी आयत में बताया गया कि अलबैना हज़ू अक्रम सल्ह वसम की ज़ा बाबरकत है जिन्हें अल्लाह ताली ने रिसालत के मुबारक मनसब पर फायज़ कर कर के गुमराहों को हिदायत देने के लिए रवाना फरमाया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की और रोशनी का वो बुलंद मीनार है जिसकी शुआँ जिसकी रोशनी जिसकी किरणें तमाम दुनिया तक फैल रही हैं क्योंकि वो ऐसी किताब की तिलावत फरमाते हैं जो हर किस्म के ऐब से पाक है तो जब दूसरी किताबें जो होगी दूसरे मज़ाहिब की किताबें होंगी इसमें इंसानियत का मकाम और मरतबा गिरा हुआ नज़र आएगा गिरी हुई बातें लिखेगी जो अखिल आपकी अकल को फ़िक्र को समझ में आने वाली नहीं होगी मगर उसके बरखिलाफ़ जब आप ये कुरान करीम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुकद्दस किताब है इंसान का मक़ाम और मरतबा कितना रफ़ी है कितना बुलंद मक़ाम और मरतबे के हामिल इंसान है इसकी दूसरी और एक दलील यहाँ पर बताई गई कि अल्लाह ताली नेमलबा क्यों फ़रमाया हुआ यह था कि यहूदियों ने अहले किताब ने यह मुतालबा किया था जिस जो सुर निसा में ख़ुद जिक्र करदा है कि यस अलू का अहल्किबल किताब मिन फ़क़दलू मूसा अकबर का फ़क़लु अरिन नंबर वन थर्टी फाइव सरा नसा के अहल किताब आप से मुतालबा कर रहे हैं कि आप पर आसमान से बर रास्त कोई किताब क्यों नाजिल नहीं हो जाती क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं आती तो तब वो मानेंगे अगर वो वैसा उतार दीए आप हम तब जा कर के मानेंगे ये उनका मुतालबा कोई अजीब मालालबा नहीं था क्यों क्योंकि उन्होंने फ़क़लू मूसा अकबर में धारिक उन्होंने तो मूसा सलाम से इससे बड़ा मुतालबा किया था कि फ़कअल अरिन जहा उन्होंने कहा था कि हमें हमको अल्लाह तुल्लम खुला दिखाओ तब हम मानेंगे तब हम मानेंगे तो अहबी बाक इनका ये मुतालबा लाया नहीं है आप इस पर तवज्जो न दीजिए इसी तरह मुशरिकी ने मक्का भी यही कहे थे सुरह मुदसर में जिसका जिक्र मिलता है बल युरीद्लु कुल्म्रम मिन होम अन्य सुहफ़म मुनशर वो लोग ये कहने लगे कि इनमें का हर शख्स ये चाहता था यीद्रन होम अंगफ़म मुनशरह कि उनके सामने हर शहीफ़ा खुला हुआ खुले खुले तौर पर शहीफ़े पकड़ाए जाएँ यानी वो क़ुरान को इसलिए नहीं मानते मानने के लिए तैयार नहीं थे कि खुद वही के ज़रिए से सिर्फ एक शख्स पर नाजिल होता है बल्कि इनका मुतालबा ये था कि आसमान से इनमें के हर एक के पास अलग अलग किताब नाजिल हो तब जा कर के वो इस्लाम कबूल करेंगे तब जा कर के यकीन करेंगे अल्लाह की तरफ से नाजिल है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूल अक्रम सो हमने जो भेजा वब पढ़ेंगे पढ़ कर के तुम्हारे सामने सुनाएँगे वो पाक सहीफ़े वही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा फ़ीहा कुतुब नीम उस किताब में सच्ची और सही सही दुरुस्त यकसुई वाली एक रास्ते वाली बातें होंगी इसकी सबसे इस किताब की खूबी क्या है उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि फ़ीहा कुतुबनक्यम यानी उस सहीफ़े में जो ऊपर जो जिक्र किया गया है कि इधर उधर की बातें नहीं हैं कोई हिकायतें नहीं बल्कि सीधी सीधी क़त ही बात और अहकाम दिए गए हो सकता है कि सुनकर उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँच रही होगी मगर उनके रब को पता है कि किन बातों का हुक्म देना है और किन बातों का हुक्म नहीं देना है अल्लामा कुरतुबी इसके हवाले से फरमाते हैं यहाँ पर किताबत में ये जो आयत आई है फ़िया कुतबन से मुरा अकाम करीम है अहकाम इलाही है जिसके बारे में वो फर इम करतु फरमाते हैं से मुराद अहकाम है और हजूर अक्रम सल ल, दूसरे कुछ और ने यह भी कहा मुख्तलि तफासिर में यह भी आया है इससे मुत्ल हजूर अक्रम सल्हलम के अखलाक और आपकी सीरत मुबारक है यानि आपकी सीरत इस क़दर पाक और हर कस्म की कमी कजी से इस कदर पाक थे कि जो कोई है आपके चेहरे मुबारक को देख ले तो हजूर अक्रम सम की सदाकत का यकीन हो जाता खाली हजूर का चेहरा देख ले तो काफ़ी था मगर उसके बावजूद वो कुरान करीम पढ़ कर भी सुना रहे हैं जिसकी हर आयत हर हरफ मुज़ा है जिस जब पढ़कर सुना रहे होंगे तो इससे बढ़कर के और रोशन दलील और नशानी क्या हो सकती थी कि पहले तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारका देख लें तो वही काफ़ी था मगर उसके साथ साथ वो क़ुरान करीम की तिलावत भी फरमा रहे हैं कुरान करीम पढ़ पढ़ कर भी सुना रहे हैं तो पता चला कि ये वाज तरीन दलील बन कर के आ जाएगी तो क्या है रसूल अल्लाह रोशन नशानी क्या है वो रसूल पाक है जो अल्लाह की जानिब से आए हैं यतलू वो तिलावत करते हैं पढ़ते हैं पढ़कर सुनाते हैं सुरफ़म मुताहरा, पाक सहीफ़ों से फ़ीहा इन में इन सहीफ़ों में कुतबन कैया सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं दुरुस्त बात जैसे सुर क़हफ़ में भी आया कि क्यमलियबासन शरीद अई वजा यह लदिवलाब्दील किताब वलम यह जहाँ अई वजा इसमें किसी कस्म की कोई कजी नहीं है क्यमल लियबसन सीधी दुरुस्त बात है ताकि लोगों को डराए रास्ते पर बुलाए अल्ला की अब आइए आगे की आयत करीमा में तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से इन पर क्या असर पड़ा व मा तफ़र रकलीन ऊचुल किताब और नहीं बटे अहले किताब फ़िरक़ो में यानि उन टुकड़ियों में बटने लग गए वो उनमें फूट पड़ गई फूट न पड़ी अहले किताब में इल्ला मगर मादी मा जाहमुलब्य बना इसके बाद कि जब उनके पास रोशन दलील आ गई यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुआ ये कि उनके पास उनकी अंदर दड़ाड़ें पड़ने लगी उनके कबाइल मुख्तलिफ होने लगे हम जैसा कि जानते हैं यहूद नसारा में बेशुमार फ़िरक़े हैं वो कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं हर फ़िरक़ा फिर अपने आप को दीन का असल हकदार और दीन पर चलने वाला समझता है तो अल्लाह ताला बता रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो जो इन्होंने कुरैश के लीडरों को इसलिए सिखाया था जो कुछ अहले किताब सिखाते थे कि भाई जाओ जाके ये पूछ कराओ जाओ जा के वो पूछ कराओ और उन और वो उसको कुरान करीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे तो अल्लाह ताला इस मकाम पर फरमा रहा है जब हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया रवाना फरमाने के बाद अब इनके अंदर और तबके बन गए एक तबका वो था जो इस्लाम कबूल कर लिया एक तबका वो था जो कुफ़ार के कुफ़ार रह गए मशरक़ी के मशरकिन रह गए अब यह यहूदियों में का दूसरा तबका कुछ मुनाफी बन गए अब्दुल्ला बिन उबैई आपके सामने उसकी बेहतरीन मिसाल है अब्दुल्ला बिन उबैई हो गया कि जो इस्लाम ने कबूल किया इस्लाम ज़ाहरी तौर पर कबूल मुनाफिक एक शक्ल एक ग्रोह तैयार हो गया तो यह पता जा, बताया जा रहा है कि जब हक आ जाता है तो फिर बातिल हक बातिल को अलग कर दिया जाता है तो हक़ जब आ जाए तो बातिल को मुँह छुपाना होता है कुल जा उल जाक वक़ अलबातिल अहबीब पाक आप फरमा दीजिए कि जब हाक आ गया तो बातिल को अब जाना ही होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशीफ आवरी से पहले अहल किताब पूरे के पूरे अकरम अक्रम अलैहि वसल्लम के मुंतजर रहा करते वो कहते कि भई बड़ी बेचनी से इंतज़ार करते कि जब भी कुफ़ार से कोई लड़ाई होती तो ये कहते थे कि भाई देखो आखिरी नबी आने वाले हैं जब वह आ जाएंगे ना तो हम सबसे पहले इस्लाम कबूल करके तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारे ऊपर फ़ोकियत हासिल करेंगे और तुमसे जंग जीतेंगे पूरे जजीर अरब को हम अपने कब्ज़े में कर लेंगे ये किसका ये यहूदियों का यहूद जो मदीन पाक के यहूदी थे उनका कहना हुआ करता था ये बात ये बात यहूदी कहा करते थे और जब भी कोई जंग होती थी मुशरकिन से कुफ़ार से कोई भी अगर जंग होती तो वह हजूर अक्रम सल्हलम का वसीला लेकर के दुआ करते थे तफसर मजहरी में और तफसीर कुरतुबी में है कि पहले पारे की जो आयत करीमा है ए, एटी नाइन आयत आयत मुबारका वक़ान यस्तफ़ी आदी का फ़रू फल माजा मारफो का फ़रू भी जब भी कोई अहले किताब की जंग किसी कुफार से होती वकानु यस्तफ़ती लदीन वो अल्लाह ताला से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन पर कुफ़ार पर फ़तह पाने की और कामयाबी और नुसरत की दुआ किया करते थे मगर जब आपली वसम तशरीफ़ ले आए तो सारे बदल गए वो ये सोच करके भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कबीलों में से नहीं आए फिर वहाँ से हसद का इनात किए शोले भड़कने लगे और उन्होंने हुजूर पर ईमान लाने से इनकार कर दिया जबकि उनको पता था कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नशानियाँ जो तौरात में इंजील में थी वो सारी की सारी नशानियाँ अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने जिक्र फ़रमा दिया था तो बतलाया जा रहा है कि जब हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुआ क्या व मातफर रक़ल्दी उतुल किताब और अहल किताब बटवारों में नहीं बटे मगर यानि अहल किताब फ़िरक़ों में बढ़ गए जब हमारी रोशन दलील बन करकेजूर अक्रम स पास आ गए व मातफर रकीना और वो नहीं बटे फ़िरक़ों में अदीना जो कि उतुल किताब अह किताब थे अगर मम बाती इसके बाद कि माँ जा अतमुलबैय कि उनके पास रोशन दलील और नशानी आ गई उसकी दलील क्या है कि वो फ़िरक़ों में कैसे बटे क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको हुक्म दिया था पहली किताबों में उनको कहा गया था कि दीन की बुनियादी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तब्दील होने वाली है जैसे मैंने इब्ता में कहा था कि नमाज उनके पास भी थी ज़क़त उनके पास भी थी रोज़ा उनके पास भी था मगर उन्होंने उनकी किताबों में तौरात अगर आप आज की दौर की तौरात उठा करके देखें तो उसमें नमाज का कोई जिक्र नहीं मिलेगा उसमें ज़कवात का कोई जिक्र नहीं मिलेगा रोजे का जिक्र मिलेगा पड़ा, रोज़े का पड़ा ज़िक्र मिलेगा यानी उन्होंने ऊपर उसके जो किसी फल का जैसे एक छिलका रहता है उन्होंने उस छिलके को असल समझ करके छिलके को इख्तियार कर लिया अंदर का जो मग़् था मगज को उन्होंने छोड़ दिया ऊपरी बाज बाजहद तकवा की बातों की ऐसी बात कि बस बाल की खाल निकाल लें मगर जब बात आए बड़े मसाइल की और अहम अहम मसाइल की तो उससे रूगरदानी करते हुए नज़र आते हैं उससे रूगरदानी करते हुए नजर आते हैं कि बस जब बात आ जाए छोटे तकवे की तो बस ऐसे पर, ऐसे पेश करेंगे जैसे कि उन्होंने इससे पहले कोई मामला हुआ ही नहीं और देखा ही नहीं इस क़दर शिद्दत में चले जाएंगे कि बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं उस तौर पर चले जाएंगे मगर जब बड़े बड़े अमूर की बात आएगी तो उसको नज़रअंदाज कर दिया करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है उनके तफरख की जो मिसाल है जुदाई की जो मिसाल है जो दीन से हटने की जो फ़िरकाबंदी की जो मिसाल है वो मिसाल क्या है वमा उमिरू इल्ला अब हालांकि उन्हें दिया गया था ये हुक्म दिया गया था ली लियाँ अब्ला वो इबादत करें अल्लाह ताला की मखलसना खालिस होते हुए लहुद्दीन अल्लाह ताला के दीन को उसी की ज़ात के लिए खालिस करते हुए इबादत करेंगे हुनफा यकसू होकर एक समत होकर वो युम सला और नमाज क़ायम करेंगे वो तज़क़ा और ज़क़़़़़त अदा करते रहें वदाली का दीन अक्यम और यही सच्चा और सीधा और दुरुस्त दीन है तो अब यहाँ बताया जा रहा है उनकी मिसाल दी जा रही है कि उन लोगों ने किस तरह शरीयत को पामाल किया किस तरह उन्होंने छोड़ा है वही दिन बचा और सही दिन हो सकता है जिसमें इसलाह अक़ायद और इसला आमाल का एक निज़ाम मौजूद हो इस्लाम के अलावा आप किसी भी मज़हब में ये नहीं पाएंगे किसी के पास अकायद है तो सिर्फ अकायद है, आमाल नहीं है अगर किसी का नमाए आमाल है तो आमाल ही है अक़ायद छूट गए सिर्फ इस्लाम एक ऐसा वाद मजहब है जिसमें अल्लाह ताला ने जो कुछ हुक्म दिया वो हुक्म पर डटे हुए हैं और जमे हुए हैं इसीलिए तो फरमाया कि अल्लाह ने पहला हुक्म क्या दिया था तो का हुक्म दिया था कि वो अल्लाह ही की बंदगी करें उसी के लिए इतात को खालिस कर ले बिल्कुल यकसू होकर लेकिन उन्होंने दीन की बुनियादी तालीम को बर्बाद कर दिया यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया तो नसारा ने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया नाऊजुबिल्ला अपने पैगम्बर की मौजूदगी में यहूदियों ने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी और अपने को और फ़ुह को अरबा बन मिंदून बनाडिया यानी अल्लाह के बराबर ला ले करके यानी अल्लाह एक हुम देता है उन्होंने अल्लाह के हुम को छोड़ कर अपने के हुम को उस पर फ़ोकियत दी जादू और बुरे आमाल इख्तियार करे और दूसरी कौमों के बुतों की भी पूजा करना शुरू कर दी जिस पर अम्बिया अम्बियाई कराम ने अ, उनके अम्बिया ने नहायत दर्द अंगेज़ अल्फाज में उन पर उनको उसका जिक्र किया इसी तरह उन्होंने नमाज़ और ज़कूत का हुक्म भी उनको दिया गया था लेकिन नमाज इन्होंने जैसा कि सूर्य बकरा की में हम पढ़ पढ़ते हैं कि बिल्कुल ही ज़ाय कर दी छोड़ दी मुकम्मल तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तौरात में या तो कुर्बानी का जिक्र मिलेगा या रोज़े का जिक्र मिलेगा नमाज का जिक्र ही नहीं मिलेगा उन्होंने उड़ा दिया उसको ज़क़़त का भी हाल यही कर दिया अब कुरबानी अरे बड़े उससे देते बड़ी जतन के साथ बस ऐसे क़ुरबानी दी जाए वैसी क़ुरबानी दी जाए बड़ी हिमाकतों के साथ किया करते और देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या फरमाया लिया अब्दुल्ला अब्दुल से बना है अल्लाह की इबादत करें अब्द अब्दुल का जो लफ्ज़ आता है बंदगी ग़ुलामी के माने में आता है यानि ग़ुलाम क्या होता है ग़ुलाम हर वक्त अपने मालिक का वफ़ादार हो तो वह सच्चा ग़ुलाम है ग़ुलाम की हर हर चीज़ मालिक की होती है ग़ुलाम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता मालिक जो हुक्म दे वही करे यहाँ तक कि मालिक जिससे उसकी शादी करवाना चाहे उसी से उसकी शादी होगी मालिक कहेगा कि तू ये कमाएगा उसका पैसा मेरा है तो मालिक का पैसा होगा तो ग़ुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती हर काम हर मर्जी मालिक की हुआ करती है तो फरमाया जा रहा है लिया अब्ला हमारे पास भी माफ़ फरमाना इबादत का तसुर हम सिर्फ नमाज और रोज़े से रख लेते हैं नमाज रोज़ा ज़कवात सदक़ात इसी का नाम हमने इबादत का तसवर कर लिया है मगर इबादत का असल मकसूद क्या है हम तन यकसू होकर अल्लाह की इबादत अल्लाह की बंदगी करना बंदगी बंदा सिर्फ नमाज की हद तक बंदा नहीं है ज़क़ात देते वक्त या हज करते वक्त या उम्रा करते वक्त अल्लाह का बंदा नहीं है वो चौबीस घंटे अल्लाह का बंदा है यानी वो अल्लाह के मॉनिटरिंग में है अल्लाह उसको मॉनिटर कर रहा है अब मिसाल के तौर पर मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपको कोई इशारे पर कोई सिग्नल पर आप ठहरे हुए हैं आपको मालूम है कि ये सिग्नल पर कैमरा लगा हुआ है या पुलिस वाला कैमरा लेकर के ठहरा हुआ है आपकी फ़ोटो खींचने के लिए आप वो सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपको क्या डर है कि ऊपर से कोई मॉनिटरिंग हो रही है तो जिस तरह आप ऊपर से मॉनिटरिंग होने पर हमेशा वो मॉनिटरिंग के हिसाब से ठहरे रहते हैं और जब आपको पता है कहीं पर कैमरा नहीं है तो आप हो सकता है कि सिग्नल को तोड़ चले जाएँ बिला तशी व बिला तमसील अल्लाह का और बंदे का ताल्लुक़ क्या है अल्लाह के कैमरे आप अंडर द सर्वेलेंस ऑफ अल्लाह अल्लाह है हर वक्त अल्लाह की नज़र में है एहसान किसको कहते हैं तसव्वुफ़ किसको कहते हैं हमने माफ फरमाना तसव्वुफ़ को एक तबका तो वो है जिन्होंने यकसर तसव्वुफ़ को और सूफ़ीज़म का इनकार कर दिया एक तबका वो है कि सिर्फ़ उसने कुछ ख़ास आमाल को कुछ ख़ास किस्म के लिबास को तसव्वुफ़ समझ लिया कुछ ख़ास किस्म के रंग ढंग को तसव्वुफ़ समझ लिया नहीं तसव्वुफ़ का मतलब क्या है तसव्वुफ़ जो है एहसान को कहते हैं एहसान हर वक्त उसके जहन में ये रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है हदीस एहसान क्या है हदीस एहसान यही है जिसमें कहा गया कि अन ताबू अल्लाह का अन ना हो इबादत अल्लाह की ऐसी करो बंदगी ऐसी करो और नमाज रोज़े की जिक्र नहीं है बंदगी ऐसी करो अल्लाह की कि जैसे वो तुम्हें देख रहा है अगर तुम ये तसवर नहीं कर सकते फिल्म तकुन फ़ इन ना का अगर तुमने इसी काबिलियत और इस्तात इस नहीं है फ़िन नह या का कि वो तुमको देख रहा है यानी तुम उसके सर्विलेंस के अंडर हो तुम उसके कैमरे और मॉनिटरिंग में हो यानी जब वो देख रहा है तुम्हें उसकी बेहतरीन मिसाल मुबारक है रमज़ान में हम क्या करते भूख लग रही है मेवा नहीं खाते कोई नहीं देख रहा एक छोटा सा छोटे बच्चे को बोले आप भाई खा ले खाना सेब खा ले चॉकलेट खा ले बिस्किट खा वो कहेगा कि नहीं 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 बोलेंगे अरे भाई कोई नहीं है घर में वो कहेगा अल्लाह देख रहा है तो ये जो एहसान की तालीम है दर हकीकत तस्वुफ़ इसी का नाम है हर अमल को अच्छाई के साथ करने का नाम तसवुफ़ है हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह देख रहा है कि तस्वुर के साथ करने का नाम एहसान है तो मज़्त सामीन कराम अल्लाह तला की बंदगी इबादत सिर्फ़ नमाज रोज़े की हद तक महदूद नहीं है ऐसा नहीं हम देखते हैं कई लोग हैं नमाजी परहेज़गार है मगर वही सूद खा रहे हैं हर साल उम्र हो रहा है मगर लोगों का माल गज़ब हो रहा है दबा रहे हैं किसी पर जुल्म हो रहा है बहनों को उसकी उनकी मीराज का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और कुछ कर रहे हैं कोई कुछ कर रहा है इबादत बराबर चल रही नमाज़ पूरी नमाजें हो रही है नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं गाली गलोच कर रहे हैं फ़हश और मुनकरात बकर रहे हैं जबकि कुरान कहता है सलात इन्ला तान तनहानिल्न सलाता तनहा अनिल फाशा मुनकर बेशक नमाज़ तुम्हें मैं और मुनकरात से रोकता है मगर क्या बात है कि बंदा नमाज भी पढ़ रहा है और बाहर निकल कर गाली भी दे रहा है किसी का दिल दुखा रहा है किसी की हिम जिल, किसी को जलील कर रहा है किसी को ताना दे रहा है किसी को सदक़ा देकर उसको हिना रहा है क्यों क्योंकि हमने इबादत को सिर्फ नमाज रोज़ा ज़ुआत की हद तक कर लिया है जबकि बंदगी ये है कि आप चौबीसों घंटे अल्लाह के बंदे हैं वरना मतलब यही होगा कि भाई आप नमाज़ पढ़ते वक्त अल्लाह के बंदे हैं बाद में आप अल्लाह के बंदे नहीं हैं तो अगर ये तसवुर है तो फिर ये शिरक हो जाएगा अल्लाह की ज़ात आदमी मुसलमान नहीं रहेगा अगर कोई अमली तौर पर करता है तो अमली तौर पर फिर वो इस्लाम से मुसलमान नहीं कहलाएगा तो फरमाया लिया अबूदुल्ला अल्लाह की बंदगी किया करें मुखलसिनद्दीन और उस अल्लाह ताला के दीन को उसके लिए खालिस करते हुए यानी जो करो उसी के लिए करो दिखावे के लिए नहीं नाम नमूद के लिए नहीं किसी की खुशनुदी के लिए नहीं खालिस होकर के उसके लिए किया करें इखलास के साथ फिर क्या आगे फिर फरमा हनफा अवयुक्म सला बिल्कुल हनफ़ा हनीफ हनफा कहते हैं बिल्कुल यकसू हो जाना एक समत पर लगे रहना फरमा हनफ़ा बिल्कुल यकसूँ होकर फिर क्या करें वो यकीम और वह नमाज को क़ायम करते हैं नमाज को क़ायम करते हैं वही तस्क़ा नमाज़ पढ़ते नहीं हैं नमाज को क़ायम करते हैं वही तज़क़ा और वह ज़कवा़त को अदा किया करते हैं तो मज़दत सामीन क्राम इसके बारे में बतलाया जा रहा है कि अम्बियाई कराम ने तो उनको पाक से शिरक और कुफिर से रोका और अल्लाह की वहदानियत और उसके एक रास्ते पर उनको पहुँचाया मगर कौमों ने बाद के वक्त जैसा जैसा वक्त गुज़रता गया उन्होंने रास्ते से हटते गए अल्लाह ताला ताली है, हर बातिल चीज़ से मुंह मोड़ कर जो शख़्स सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है उसको हनीफ कहा जाता है और इस हनीफ़ का जमा जो है वो हनफा है यानी उन्हें यह भी बता दें कि उनके अतराव जो बातिल चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्लों में उन्होंने पाल रखा है उन तमाम चीज़ों को छोड़ कर अल्लाह की तरफ़ आने का नाम हनीफनफ़ा है देखिए और एक बात यहाँ पर पता चलती है कि अकीदे की असलाह हो जाए तो आदमी अकीदा रख लेना काफ़ी नहीं है बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाए की असलाह के साथ साथ नमाज ज़क़त वग़ैरह इबादत की अदायगी भी करना ये अल्लाह का ही हुक्म है ये उसका तकाज़ा है हमें हजूर अक्रम सल्ह वसम से महब्बत है अल्लाह से तल्लु है तो उस महबत का और उस तल्लक़ का ये तकाजा है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की दीन की जो अहकाम दिए गए उस पर सच्चे और पक्के होकर गुजारा करें अम कहते हैं कि मजबूत अलमा के बारे में जैसे कि आप हजरात हम अभी ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि जो सच्चा नहायत ही सच्चा दीन है जो मजबूत दीन है नहाय सच्चा और नहायत ही मज़बूत दीन है वो दीन की पैरवी करना ये इस ये अहिल ईमान के लिए कहा गया था और यही हकीकत में सच्चा दिन है फिर अब यहाँ पर आप आ जाइए ये मिसाल किसकी थी मैं आपको फिर पलटा करके सुरहती की तरफ ले जा रहा हूँ लक़द खलक़नसानफ़ी आहसनी तकवीम जो अच्छे साँचे पर जो ढाले गए थे अच्छी साख पर जो पैदा किए गए थे इंसान को जो अल्लाह ने आहसन तकवीम बेहतरीन साँचे में ढाला था उनकी मिसालें हो गई अब आइए असफला साफिरिन की मिसाल इन लदी कफ़रू बेशक वो जिन्होंने कुफ़्र किया मिन अहलिल किताब चाहे वो अहले किताब में से हो अब कुफ़्र किया से मुराद जब अल्लाह ताला ने उनके पास नबी को भेजा तो उन्होंने नबी को मानने से इनकार किया तो सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम का इनकार हालांकि वो कुफ़्र ने शिरक नहीं किए अल्लाह को कई लोग है जो एक मानते थे उनमें भी अहले किताब में मगर चूँकि हज़ूर को न मानना उनको काफ़िर बना दिया वलमशरकिन जिन्होंने कुफ़्र किया जिन्होंने इनकार किया अहल किताब में से हो या मशर्किन में से हो फी नारी जहन्नम वो जहन्नम की आग में तपिश में होंगे खालिदी नफीहा और वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे उला इकहम शरलब्रिय और ये बहुत ही बदतरीन कस्म के लोग हैं, यानि बहुत ही बुरा ग्रोह है ये उला इकहम शरब्रैग्या यही वो लोग हैं जो बदतरीन कस्म की मखलूक़ और बदतरीन कस्म के लोग हैं कि उन लोगों का अंजाम बयान फरमाया जो कुरान करीम की तकसीब करते हैं ख़ुद को वो अहल किताब समझते हैं या मुशरकिन हो साथ ही साथ उनके गुरूर और घमंड और तकबर की वजह से इनके ऊपर ये ये सबब बना वो लोग कहने हम गुरूर में आ गए भाई इन हज़ूर को क्यों माने हम फरमाया कि जो भी कुरान करीम की तकजीब करे हज़ूर क्रम सलील आसम जो बैना की शक्ल में तशरीफ़ लाए हैं उसका कुफ़्र करे तो उसको काफ़िर कहा जाएगा वो सब के सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे ख़ाह वो अहल किताब हों या मशरकिन में से हों ऐले किताब होकर जिन्होंने इसी अंदेपन का सबूत दिया जिसका मशरक मुश्रिकी, मुजाहरा मशरकिन ने किया तो कोई वजह नहीं कि भाई किसी के साथ कोई रियायत किए मस्तक़ या रियायत की जाएगी कुरान करीम ने वजाहत के साथ उन पर यह बता दिया यहाँ तक कि उनको आख़िर में कितना बुरा टाइटल दिया गया ये उनके ऊपर जो है रूर और तकबर की वजह से अल्लाह ने मुहर लगा दी ये कहते हुए उलाई का हम शरुलबरी ये बदतरीन कस्म के लोग हैं फ़रमा दिया यानी उनकी अल्लाह ताली ने बतलाया कि ये ऐसे बदतरीन लोग हैं जिनको बरिया और बरिया के मुखालिफ़ में ला करके ठहरा दिया कि जो वो हमेशा उसी आग में जलते रहेंगे और इनके साथ किसी भी कस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी यह है असफला साफ़िर दा असफला साफिरन जो लोग अल्लाह की नमतें अच्छे सांचे में तो पैदा किया था मगर जिन्होंने इनकार कियाफ़्र किया, कुफर किया को भी ना माना कुरान को भी ना माना हबीब पाक को भी ना माना उसका ये अंजाम होगा लदीन क़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कफ़्र किया जिन्होंने इनकार किया चाहे वो अहले किताब हो या मशरकिन हो फ़ी नारी जहन्नम तो वह हमेशा दोज़ की आग में रहेंगे आतिश जहन्नम में होंगे खालिदी नफ़ीआ जिसमें वो हमेशा रहेंगे उलाम शरब्रिया उलाई का हसर के लिए यही वह लोग हैं जो बदतरीन कस्म की मखलूक़ है अब आ जाइए फिर जैसे मैंने कहा कुरान दोनों मुत एक कस्म का तोजुन बरकरार रखता है अहले ईमान की बात होगी तो अहले कुफर का फौरी जिक्र आएगा अहले कुफर का जिक्र आएगा तो अहले ईमान का क्योंकि ईमान जो है खौफ और रजा के दरमियान है तो अब यहाँ फरमाया फिर अहले ईमान का जिक्र आसन आहसनी तकवीम का जिक्र हो रहा है इन इनलवीन आमनों बेशक वो लोग जो ईमान ले आए अल्लाह पर भी ईमान लाए नबी पाक पर भी ईमान लाए वामिलिहात और नेक अमल करते रहे अमीलु अमीलिहात यहाँ पर जो ईमान लाए ऐसा नहीं ईमान एक मरतबा लाए अमे अमल साले कर दिए छोड़ दिए नहीं मुसलसल करते रहे फसरन फरमाते हैं ये जो अमिलू का जो सखा है वो मुसलसल नेक अमल करते रहे तो क्या होगा उला इकहम खैरबरिया सारी मखलूक़ बरिया कहते हैं खिलकत को मखलूक़ को क्रिएशन को सारी क्रिएशन में सबसे बेहतरीन लोग वही हैं जिन्होंने अपने नफ्स पर काबू किया अपने आप को के रखा किब्र से गुरूर से तकबर से इनके अंदर हक़ का एहतराम बाकी रहा इन्होंने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो उसी तरह कोई मुतालबा किए बग़ैर और एक आपको काम की बात बता दूँ कि जितने अम्बिया अक्रम सल्हल से मोज़ात मांगे गए मुसलमानों ने नहीं मांगा कुफ़ार ने या यहूदियों ने मांगा मुसलमान तो बिन देखे बिन माने बिन मांगे ईमान ले आए अल्लाह को बग़ैर देखे कि उन्होंने एक सौ साठ तीन सौ साठ खुदाओं को छोड़ दिया था तो फिर फरमाया ये इंसान की कदर व मंजिलत उसके असबाब उसका मकाम और मरतबा ख़ानदान की वजह से या फिर कोई नसब की वजह से नहीं बताया कई ऐसे थे जो अबू जहल है बड़े ख़ानदान का है उतबा हो जाए शैबा हो जाए वलीद हो जाए बड़े बड़े ख़ानदान वाले रोसा है मगर वो बड़े बड़े होते हुए भी उनको धुतकार दिया गया एक हबशी कोई ग़ुलाम है हबश का रहने वाला कोई है वो कोई खुरीश का या हाशमी हो या कोई बंदा हो गरीब है मफलूक हाल है वो आया और आकर के उसने इस्लाम कबूल किया वो हबश का कोई गुलाम है हज़रत बिलाल हबशरदी अल्लाह अरजाऊ है वो आए और आकर आप के दामन से जुड़ गए फिर क्या है कि कैसा उनका मकाम और मरतबा बुलंद हुआ कि फिर इकबाल ने जिसको कहा था कि अजा अजल से तेरे इश्क़ का तराना बनी नमा अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी अदायदी पानी नियाज थी तेरी किसी को देखते रहना नियाज थी तेरी जफा जो इश्क़ में होती है वो जफा ही नहीं सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहींकबाल ने उनके बारे में तफसील के साथ बयान फरमाया तो मौज़त सामयी ने किराम तो फिर कहा कि तुझको छोड़ा कि रसूल अरबी को छोड़ा बुदगरी पेशा किया बुद शिकनी को छोड़ा इश्क़ को इश्क़ी आशफ त सरी को छोड़ा रस्म सलमान को वैसे करनी को छोड़ा तो मौज़त सामीन के नाम फिर वो 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 वोरत बिलाशी है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छोड़ा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर रह गए फिर क्या हुआ कैसा उनका मक़ाम और मरतबा अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाया के बड़े बड़े सरदारानुरैश के आगे हज़रत बिलााल हब शरत हूँ एक अदनासाबी को उठा लें तो उनका मक़ाम और मरतबे को कोई नहीं पा सकता फरमाया कि उलाई कहम खैरलबरिया ख़ुदा की मखलूक़ात कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकती वो हकीक़त में क़दर वीमत वाले लोग हैं और शरुलबरिया असफला साफ़िलन का मजदाक बन गए और खैरलबरिया अहसना तकवीम के मजदाक बन गए यानि दोनों की कैटेगरीज़ बन गई अच्छा अब ये हो गया इनका जज़ा क्या होगी इनका बदला क्या होगा इन्होंने तो नेक काम किया इन्होंने तो अपने आप को पाक रखा निगाहों को पाक रखा दिल को पाक रखा इनका शौक़ लिखा उनकी फ़िक्र ऊंची रही ऐसा कि भाई इतनी ऊंची कि कोई फ़रिश्ता कोई नूरी फ़रिश्ता भी उनके मकाम और मरतबे को नहीं पा सकता था साहब किराम अब ये क़ियामत तक आने वाले लोगों पर भी ये अपलिकबल होगा तो अब उनकी जजा क्या होगी जजा ओम उनका बदला ये है इन दब भी हैं उनकी जज़ा तो उनके रब के पास है वो क्या है जन्नत वदन हमेशा रहने वाली जन्नतें जन्नत अदनिन हमेशा रहने वाली जन्नतें अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाएगा सिर्फ़ इतना ही नहीं तजरीमिन तहति अनहार, जिसके तहत में जिसके दामन से जन्नत आदन जन्नत आदन वो जिसके तहत जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी खालिदी नफीहा अबदा जिसमें वो हमेशा 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 रहने वाले होंगे भाई हमेशा मैं एक दो बार हो जाए तो एक बार हो जाए तो काफ़ी था मगर इसमें क्यों क्योंकि मशरकिन के बारे में क्या कहा कि वलमुशरक फ़ीनारी जहन्नमा खौलिदीन फ़ीहा मगर जब अहले ईमान की बात आई तो ताक़ीद कितनी फरमाई फ़रमाईदीन फ़ीहा अबदा वो हमेशा हमेशा उसी में रहने वाले होंगे यानी जन्नत की हर किस्म की नमतें उसमें बहने वाली नदियाँ उसमें अल्लाह का दीदार उसमें हर किस्म का फल फूल मोहब्बत हर चीज़ अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए रख दिया है और ये सारी जो जन्नत की जो बहारें होंगी उन उन्हीं के दम बदम से होगी और उनके कदू में ममनत से चहचाहता रहेगा फरमाया उनका जजा क्या है अपने रब के पास जन्नत व आदन हमेशा रहने वाली जन्नतें होंगी उसकी खासियत क्या होगी तजरीमिन तहतिहल अनहार जिसके नीचे से नहीं बह रही होगी खौलिदीन अफिया अबदा वो जिसमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे रदी अल्लाहआन हम व रदुआन रदी अल्लाह हम तो क्या अल्लाह ताला उनसे राज़ी व रद व अल्लाह से राज़ी अल्ला यानि जन्नत की साथ साथ उससे आला तरीन मक़ाम क्या अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा जन्नत ही हमारा मकसूद ना हो बल्कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह को राज़ी करना खुश करना उसका हमारा मकसूद हो और जब बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है ना तो फिर अल्लाह अपना हम पर एहसान कहाँ रखता है वो भी फिर हमसे राज़ी हो जाता है तो ये राज़ी का जो रिश्ता बन जाता है दो दरफा बन जाता है उनका परवरदिगार उनका रब उनकी मोहब्बत उनकी नियाज़मंदी को देख कर उनसे राज़ी हो जाता है और वह नियाज़मंद अपने रब की अब अल्लाह जब राज़ी हो जाए किसी से तो फिर उसको इतना आता फ़रमाता है इतना अता फ़रमाता है फ़रमाने के बाद अल्लाह ताला उससे राज़ी उसको राज़ी अपने से कर लिया करता है एक हदीस पाक बुखारी शरीफ़ में आती है कि हज़रत अबू खुदरी नदी अल्लाह से मरवी है कि नबी पाक सल्लि वसम ने इर्शात फरमाया अल्लाह ताली अहन्नत को पुकारेंगे कि अयनत यो वर्स करेंगे कि अय परवरदिगार हम हाज़िर हैं सारी बरकतें लबईक रबना वसाद वल़ैरु कुल्लू फ़ीदू कुल्लू फ़ीदी के हर हर किस्म की भलाइयाँ सदतमंदियाँ हर किस्म की चीज़ें तेरे हाथ में हैं अल्लाह ताला पूछेगा कि अब तुम राज़ी हो बंदे अर्ज करें अरे हम तो पर राज़ी क्यों ना हो जबकि तूने हमें हर किस्म की नेमतों से सरफराज फरमाया जो किसी और कौम को अता नहीं फरमाया तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैं इससे भी आला एक, एक और नेमत अता नहीं करूँ वो कहेंगे इलाही इससे अफजल और क्या चीज़ हो सकती है अल्लाह ताली फरमाएगा कि मैं तुम्हें अपनी रज़ा और खुशनुदी से इसी तरह सरफराज कर दूँगा कि इसके बाद मेरी नाराज़गी का तुम्हें कोई अंदेशा ना होगा यानी मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा उसके बाद फिर नाराज़गी का कोई तुम्हें ख्याल तक नहीं गुजरेगा तो ये अल्लाह की उससे बड़ी नमतें होंगी जन्नत से बड़ी नमतें अल्लाह की ऱा जब वो राज़ी हो जाएगा तो फिर अपने लिखा और शौक़ दीदार से भी मुशर्र फ़रमाएगा जाली कली मनखशिया रबा ये शादत उसको मिलेगी जो अपने रब से के दरबार में ठहरने से डरता है अपने रब से ग़ैब में रहते हुए डरे यानि अल्लाह को तो देखा नहीं है मतलब ये कि जो आदमी सब कुछ आँखों से देख कर मानना चाहे तो वो तो आदमी का ईमान उतना मजबूत नहीं होगा मगर वो कि उसके बावजूद वो भटके रहे इनका कोई इलाज नहीं है इनका कोई इलाज नहीं है। और ये दुनिया हमारे लिए इम्तहान की जगह है तो इम्तहान की जगह क्या है अपनी अखल से होश से काम लेते हुए बग़ैर देखे के बिन देखे चीज़ों को मानना जब बंदा ये मान लेता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है राज़ी हो जाया करता है राज़ी बरजा हुआ करता है दाली का लिमन खशिया तो दर हकीकत ये शहदतमंदी उसको मिलती है जो अपने रब से डरता है अपने रब के दरबार में ठहरने से बंदा डर जाया करता है मौजत सामीन कराम इस आयत करीमा की तफसीर के बारे में एक बात अर्ज़ कर करके अपनी आज की गुफ्तु को हम खत्म करते हैं कि वलीमन ख्वाफ मकामा रब्बी ही जन्नतान ये जो आयत करीमा है सुरर रहमान की अल्लाह ताली फरमाता है वलीमन ख्वाफा मकामा रबी ही और जो कोई अल्लाह के सामने दरबार में ठहरने से कशियत खौफ और कशियत के आलम में डरते हुए ठहरता है वलीमन ख्वाफा जो कोई डर गया रब के सामने ठहरने से रब के आगे पेश होने से तो किस एतबार से कि वह खौफ और रजा के साथ अल्लाह का डर है अल्लाह की खशियत उसके दिल में है मकाम और रब भी जन्नत आ तो उसको दो जन्नतें मिलेंगी अल्लाह ताला उसको एक जन्नत नहीं, उसको दो जन्न, डबल जन्नत देगा एक तो हम भी इबादत करते हैं मगर अल्लाह का खशियत कहाँ है खौफ कहाँ है अल्लाह का ख़शियत इलाही नहीं है हमारे ऊपर कोई आँख से आँसू नहीं जाते कभी कोई गिरियाविज़ारी नहीं होती ये तो हमारी नमाज़ें इबादतें होती हैं मगर जो अल्लाह वाले होते हैं जो उसके दरबार में ठहरते हुए खशियत आहोजारी करते हैं विजारी करते हैं जब वो अल्लाह के दरबार में ठहरते हुए खौफ और ख़शियत के मामले जिनके साथ होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे दो जन्नतों का वादा फरमाता है वो दो जन्नतें उसके बारे में बंद नवाज़ ये सदराज व रिजवान फरमाया करते हैं अपनी तफसीर में कि दो जन्नतों से मुराद दो जन्नतें कहाँ से दिया जाएगा तो उसकी एक तफसीर में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन क्या होगा सबको एक एक जन्नत लिखी है ना मोमिन को भी जन्नत मोमिन के हिसाब से भी जन्नत बनाई गई काफ़िर के लिए भी जन्नत बनाई गई मोमिन के लिए भी दोज़ख़ का एक मक़ाम बनाया गया काफ़िर के लिए भी दोजख़ का एक मक़ाम बनाया गया जब जन्नत वालों को जन्नत में भेज दिया जाएगा पूरे कंप्लीट हो गया कोरम पूरा हो गया अब जो अहले दोजख होंगे जो अहले मशरकिन और कुफ़ार होंगे उनकी जन्नत की जगह तो एम्प्टी है तो वो तो दोजख में चले गए अब उनकी जन्नत की जगह बाकी है ना तो अल्लाह ताला फरमाएगा अपने मुकर्रब बंदों को जो उसके दरबार में ख़शियत के साथ आहो विजारी के साथ ठहरते हैं अल्लाह फरमाएगा जाओ ये दूसरी जन्नत जो एम्प्टी है ना वो भी तुम ले लो जाओ अल्लाह ताला अहले ईमान को जो खुसूसियत के साथ खशियत इलाही के साथ दरबार में ठहरते हैं उसके आगे ठहरते हैं सचदरेज़ होते हैं उनके लिए दोहरी जन्नतों का वादा फरमाता है तो ये ये रही एक बात तफसीर के हवाले से आई थी हजरत बंदनवाज़ यजि रहमत और रिजवान के तो आपकी कोशिकुजार कर दिया हूँ आइए मैं एक मरतबा जिस तरह हम कहते करते हैं कि आखिर में तर्जुम फिर कर देते हैं ताकि आप हजरात जो मकसद ये है कि तर्जमा और तफसीर समझ में आए तो इसलिए हम दोबारा इसका तर्जुमा कर देते हैं लम यकुन लदीन काफरमिन अहलिल किताब अहल किताब हो या मशरकिन हो वो लोग अपना दीन छोड़ने को के लिए तैयार न थे मुन फ़कीन हतीमबैया यहाँ तक कि उनके पास रोशन दलील ना आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में यानी अहले किताब और मशरकिन अपना दीन छोड़ने के लिए रास्ता छोड़ने के लिए तैयार ना थे मगर यहाँ तक के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान एक रोशन दलील बन कर के आ गए अल्लाह ताला खुद वजाहत फ़रमा रहा है वो रोशन दलील कौन है रसूल व व रसूल मुकर्रम हैं मुकद्दस रसूल है मुबारक रसूल है अज़मत वाले रसूल हैं अल्लाह की तरफ़ से आए हैं यतलू जो तिलावत करते हैं सुहफम मुतहरा पाक सहीफ़ों की फ़ी उस उन सहीफों में उन किताबों में कुतुबा के सीधी सीधी बात लिखी हुई है उन चीज़ों में सीधी बातें लिखी हुई है, लिखी हुई है। कुतुब लिखी हुई से किताब के मान कतबा के मानों में है फ़ी हाँ कुतुबनकयम उसमें सीधी बातें लिखी हुई है दुरुस्त बातें अमा तफर रखल लगी अहले किताब तफर में न पढ़ी यहाँ तक के मम बदमा जामलबीना जब तक कि उनके पास वो रोशन दलील मुबा रोशन दलील उनके पास तशरीफ़ ना ले आए यानी आप सल्लल्लाहु सल्ला व माँ उमिरू हालांकि उन लोगों को ये हुक्म दिया, दिया गया था कि लिया अब्ल मखिलसिनद्दीन के उनको ये हुक्म दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी सिर्फ़ खालिस होकर उसी अकीदे पर रहते हुए और उसी दीन पर रहते हुए अल्लाह की बंदगी करें खुनफ़ा एक यकसू होकर के एक तरफ़ होकर के वह यु़ीम्स और नमाज़ क़ायम करें व युत ज़का और ज़क़़ दें वाली का दिनीमा और यही सच्चा और सीधा दीन है मगर वो लोग इनकार करते हुए क्या करें इन दीन का फ़रू बेश लोग इनकार किए मिन अहलील किताबी वमशरकिन अहल किताब में से या मशरकिन में से फ़ी नारी जहन्नम वो जहन्नम की आग में जलने वाले हैं खौ, और दी अफ़िया और उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं उलाकहम शरुलब्रिया और वो मखलूक़ में बदतरीन लोग हैं इन लदीन आमन बेशक वो लोग जो ईमान ले आए वामिलित और नेक काम की अच्छे काम किए उला का नेक काम करते रहे का हम खैरलब्रिया यही लोग वही लोग मखलूक़ में सबसे बेहतरीन लोग हैं जजा अम उनका सिला और उनकी जज़ा ये है इन द रबीम उनके रब के पास है वो क्या है जन्त व के जिसमें हमेशा रहने वाले बाग़ात होंगे तजरी अनहार जिनके नीचे से नहर बह रही होगी खालिदीन ख़ौल्दीन अबदा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे रदी अल्लाहम अल्लाह ताला उनसे राज़ी और रद और वो अपने रब से राज़ी ज़ालिक कली मनखश रब्बा ये उनके लिए है ये उस उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरता है व सल्लल्लाहु व सल अल्लाह तसल्ल ख़ी खलक़ ही व महमदिन वाली वसाबी अजमाइन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू